नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम मेनका हंडू है। आपके दिदा अश्विन कशुर जान के छठे एपिसोड में मैं आज तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। कहते हैं अगर आप किसी चीज को तहे दिल से चाहो तो ये पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में जुट जाती है। इसी तरह मुझे लगता है मेरी भी जो तमन्ना थी कि इस प्रोजेक्ट में लड़कियों के अलावा लड़के भी शिरकत करें, लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वे दोनों ही लड़के हैं, दोनों लगभग हम उम्र हैं, दोनों कश्मीर से बाहर रहते हैं, इनके शौक थोड़े बहुत एक जैसे हैं और दोनों कश्मीरी में बात कर पाते हैं। आपको बताती चलूं कि प्रोग्राम लाइव है, इसमें एडिट की कोई गुंजाइश नहीं है, तो किसी भी भूल चूक के लिए आपसे पहले ही माफी मांग लेती हूँ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, बिना वक्त जाया किए उनको मैं ऐड करती हूँ। यहाँ पे हमारे साथ जुड़ेंगे पीर मिर्सब वियतनाम से और शिहान रैना पंजाब से। हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा क्योंकि आपको सुनाऊंगी आज कश्मीर से जुड़ी हुई एक और खूबसूरत कहानी जो मैंने अपने बड़ों से सीखी है। मुझे 5 सेकंड का वक्त दें ताकि मैं इनको ऐड करूं। 1 सेकंड। हमने पहली रिक्वेस्ट भेज दी है, वेट कर रहे हैं इनके ज्वाइन होने का। चले शिहान, एक्सेप्ट करें। नमस्कार दीदा। नमस्कार बेटा, 1 सेकंड। अब हम अपने दूसरे पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं। ओके मिर्सब, आप लॉग्ड इन हैं, मुझे नजर ही नहीं आ रहे इस स्टैक में। एक सेकेंड। शिहान आप कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। ये दोस्त कहाँ चला गया तुम्हारा? लॉग्ड इन है ही नहीं। ओके मिर्सब, कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू लॉग इन सो दैट आई कैन ऐड यू? शिहान, आप उनको प्राइवेट में मैसेज कर सकते हैं कि लॉग इन करें प्लीज। अभी तो नहीं, क्योंकि एक्चुअली ना मैंने ना वो लगा रखा है ना फोन, तो अच्छा अभी तो मैसेज नहीं जाएगा, लाइव से कोई हट बात जाऊंगा फिर। कोई बात नहीं, 1 सेकंड 1 सेकंड। चले, गर्मी है पंजाब में? गर्मी है गर्मी तो बहुत है, गर्मी अभी। यहाँ भी, गर्मी है। देखो मुझे पंखे में बैठ के भी पसीने आ रहे हैं। चले, हमने इनको रिक्वेस्ट भेज दी है, वी आर वेटिंग फॉर मिर्सब टू ज्वाइन इन। ये लाइव का बड़ा पंगा है, पता नहीं लगता। आदाब मिर्सब, कैसे हैं अब आप? ठीक है, आर यू ठीक। ऑलराइट? ओके गुड। चलिए, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये लगभग एक ही उम्र के बच्चे हैं, दोनों बाहर रहते हैं, कश्मीर से बाहर रहते हैं। मेरी दाहिनी तरफ हैं पीर मिर्सब, ये वियतनाम में रहते हैं, और मेरी बाहिनी तरफ हैं शिहान रैना, और शिहान रहते हैं पंजाब में। हाँ ठीक है। तो जान का मतलब है एक दूसरे से जान पहचान करना, एक दूसरे से दोस्ती करना, एक दूसरे के बारे में जानना। तो शुरुआत हम करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ, तो हम शिहान से शुरू करते हैं, ओके ठीक ओके। है प्लीज। नमस्कार दीदा तसारनी। बुचुस शिहान रैना, बुचुस नवमी मंज पड़ान, तो बुचुस जीरकपुर मोहाली मंज रोजान। मैं उस असलीगर अनंतनाग कशीर मंज, तो मैं उस मातामाल रुइनवर श्रीनगर मंज। मैं जो हॉबीज सिंगिंग करूँ तो गेम्स गिंदुन, तो आजकल बुचुस ई स्पोर्ट्स गिंदान।
क्या बात है, देखिए कश्मीरी में इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, रैनावारी में इनका मातमाल है। मुझे नहीं पता शिहान जानते हैं कि नहीं, लेकिन मैं भी रैनावारी बॉर्न हूँ, रैनावारी मेरा घर है। हाँ, मैं ये बहुत बार जिक्र करती हूँ। चलिए अब आते हैं मिर्सब पे। मिर्सब, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ प्लीज? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम छे मिर्सब, बुच इज बाहुमोर, बुच इज सिक्स एस पारान, बुच इज रोजान होच में सिटी वियतनाम मंस, बुच इज जामु ती ती मगर छ बु कोशिश लड़का। मेरा हॉबी छ स्पोर्ट्स ते गेवन, स्पोर्ट्स में छ गेंदा ब बास्केटबॉल, फुटबॉल ते बैडमिंटन, सिंगिंग में छ बु बस गेवन वेस्टर्न सॉन्ग्स यो। बुच इज करान ट्राई टू दपान खेश सॉन्ग्स ते कर गेवन, बुच इज करान यूक्लेले यूज इट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या बात है, सो इम्प्रेसिव। ये पे मैं वन कशिर पठी वानुन, यानी कि ये मुझे कश्मीरी में ही बोलना पड़ेगा। मैं चुवारिया फखर तो है दोनवनी पे कि तो शु युता जान पट कशिर कशिर पट कात करा। जी वेरी नाइस, तो मुझे बहुत फख्र है इन दोनों बच्चों पे, इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन जो है कश्मीरी में दिया है। मैं आपको एक बात बताती चलूं, जब आपके सामने हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं, एपिसोड लेकर आते हैं, इसके बैकग्राउंड में हम जो है बहुत बातें करते हैं इन बच्चों के साथ, इनको जानने की कोशिश करते हैं, इनके शौक क्या हैं, क्या क्या इनका लाइफस्टाइल है। तो उस दौरान इन दोनों बच्चों ने मुझे हैरान कर दिया, ये बहुत ही कंफर्टेबल थे कश्मीरी में बात करने के लिए। तो मुझे इन पर मुझे बहुत फक्र है, इनको कोई भी इनको जो है संकोच नहीं था किसी भी तरह की इनको डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। ये मेरे साथ भी प्रैक्टिस के दौरान कश्मीरी में बात किया करते थे। सो मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये मुझे इसलिए इतनी डिटेल में बताना पड़ रहा है क्योंकि अक्सर लोग मुझे कमेंट्स में लिखते हैं आप असवन कशुर हैं तो आप कश्मीरी में बात करें, लेकिन आप मेरी मजबूरी समझें, मैं तो कश्मीरी में बात कर लूं, अगर अगर बच्चों को वो समझ नहीं आती या वो बात नहीं कर पाते कश्मीरी में, तो मैं उनको कैसे बुलवाऊं आधे घंटे के प्रोग्राम में, कश्मीरी कैसे सिखाऊं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहरहाल आज ज्यादातर हम कश्मीरी में बात करेंगे, तो मुझे उम्मीद है सुनने वालों को अच्छा लग रहा होगा ये सुनकर। ठीक है, ओके, लोग लिख रहे हैं नीचे, गॉड ब्लेस यू बच्चों, प्राउड कश्मीरीज, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत दुआएं और बहुत सारे दिल यहाँ से उभर उभर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए, सो दैट शुड बी इनफ फॉर योर कॉन्फिडेंस, राइट? ओके, शिहान ने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि उनको गाना गाना अच्छा लगता है, बिसाइड्स प्लेइंग अदर आउटडोर स्पोर्ट्स। अब क्रिकेट हम यहाँ खिलवा नहीं सकते, तो मैं उनसे गुजारिश जी करूंगी कि वो हमें एक गाना सुनाए। पहले बताइए कश्मीरी में गाएंगे कि कौन सी जबान में? कश्मीरी कश्मीरी में एक्चुअली मेरे ना मम्मी मेरे बचपन से गाना सुनाते थे, तो आई विल जस्ट सिंग दैट सॉन्ग। या प्लीज गो अहेड। कत्यू छुक्त नुंद बाने वलो माशूक म्याने, मैं कोरी ना चान जाने वलो माशूक म्याने, शराब की प्याल भरियो गुलाबन माल करियो, शराब की प्याल भरियो गुलाबन माल करियो, अगाया कल मरियो वलो माशूक म्याने, बसूरत छत परी से शुभी जाम जरी, बसूरत छत परी से शुभी जाम जरी, एम्यू तवीज करी वलो माशोक म्याने, कत्यू छुक्त नुंद बाने वलो माशूक म्याने। ब्रिलियंट, बहुत अच्छा। मुझे लगता है थैंक गले में कुछ खराश है। हाँ, थोड़ा यू खराब है मैम। गला। हाँ, क्योंकि मैंने जो है प्रैक्टिस सेशंस के दौरान शिहान को सुना है और ये अच्छा गाते हैं, दोनों बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं। शिहान, आपको इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं बेटा? अभी मैं आई एम जस्ट लर्निंग गिटार, अभी ये देखिए मैं गिटार सीख रहा हूँ। ओहो, चेशी औजार सूती थो मुझ साइड से। ओके, चलो गुड है। अच्छा, अभी सीख रहे हैं, पूरी तरह से बजाना हाँ नहीं आता। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हम चलते हैं अपने मिर्सब की तरफ। मिर्सब, वांसा क्या बोझना वक, क्या बोझना वक, आज के बर्थ है ना बोझना?
अरे वाह, गोडची चाहिए इंस्ट्रूमेंट इशू गिटार युग जन, मगर चुचुकत नाव बदलवे ना गिटार इच यू के लेले यू के गिटार लेले। मशर सिक्स स्ट्रिंग्स अच्छा बट यू के मशर फोर स्ट्रिंग्स वेरी देयर इज ओनली गुड, फोर स्ट्रिंग्स। वाओ, 3, 4, 5, क्या बात है। मगर मतलब एम एस ग्रांति तगान का शिरपट गिनती भी आती है कश्मीरी में। वेरी गुड, क्या बात है। मतलब गिनती में मैं भी बीच में अगर मुझे कोई पूछता है मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, बहुत अच्छी बात है। सो गिटार और यूक्लेले में ये डिफरेंस है कि गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती हैं और इस इंस्ट्रूमेंट में 4 स्ट्रिंग्स होती है। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? हाँ ओके, सुनाइए कुछ बोझना ओके सर। आई सी ट्रीज ऑफ ग्रीन ट्यूबर रोजेस बहुत बढ़िया, वेरी थैंक गुड। तो यू। देखिए बड़े सुरीले म्यूजिकल बच्चे हैं आज हमारे साथ दोनों, और मैंने जैसे कहा मैं ये बार बार बताऊंगी आपको, ये कश्मीर में रहते नहीं है, कश्मीर से बाहर रहते हैं, फिर भी कश्मीरी में बात करते हैं। मेरे सबको तो ग्रंथ भी आती है, इनको काउंटिंग भी आती है। बहुत अच्छा, वेरी गुड परफॉर्मेंस। देखिए सुनने वालों को बता दें आज आपकी शुरुआत ही हमने देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और इतने एंटरटेनमेंट के साथ की है। यूजुअली मैं कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि बहुत तेजी से आते हैं, लेकिन जब आप लोग गा रहे थे तो 2 कमेंट्स पे मेरी ध्यान पड़ा है। मुझे लगता है मिर्सब फादर कॉमेंटेड दैट आई एम सो प्राउड ऑफ माई सन मिर्सब, और मैंने इज ही लॉग्ड इन राइट नाउ एंड आई ऑल्सो रेड समथिंग फ्रॉम शिहान्स नाना जी, आई थिंक योर नाना जी इज लॉग्ड इन, उन्होंने लिखा है नानी आई वादुन, सो मे बी ही इज ट्राइंग टू से दैट यू नो योर ग्रैंड मदर वाज क्राइंग। सो ऐसा होता है हमारे साथ जो हमें बहुत मोहब्बत करते हैं, जब हमें ऐसे परफॉर्म करते देखते हैं तो उनको रोना आता है, वो खुश होके ऐसे रोकर अपनी जो है खुशी जाहिर करते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू किड्स, दैट वाज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्टार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं पूछूंगी शिहान से पहला सवाल कि आप बेटा कभी कश्मीर गए हैं, नहीं, कभी I've never रहे been हो to वहां पे? कश्मीर। हैव यू एवर लिव्ड देयर, एनी एक्सपीरियंसेस? तो No, मैं कश्मीर अगर कभी कभी नहीं गए हो, कभी प्रोग्राम भी बना था, कभी प्रोग्राम बना है जाने का हो, जा नहीं पाए, ऐसा कुछ हुआ है? बट वो भी फिर फेल हो गया था एक प्लान। ओके, चलो बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, आप वहां कभी गए नहीं हो, कुछ आपको रहन सहन का आइडिया है वहां का, कैसे रहते हैं लोग, कैसे होते हैं? हाँ, मैंने अपने बड़ों से सुना है कि मतलब वहां पे बहुत ही मतलब कंफर्टेबल वे में रहते थे, कि वहां पे मतलब जितना मेरे को पता है कि वहां पे जो घर होते थे वो एकदम मिलजुल के सारे रहते थे, वहां पे फैमिली में ज्वाइंट में रहते थे। जितना मेरे को ओके मैंने ग्रैंड फादर सुना, मेरी पूरी फैमिली जो थी वो एकदम ज्वाइंट में रहती थी, हाँ, एंड दे यूज्ड टू लाइक लिव फुल फुली आपके लिव फुली। आसपास पड़ोस में कोई कश्मीरी मुसलमान है जो वहां वैसे हाँ रहते हाँ हैं? हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं ना यहाँ पे, हाँ जी हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जी हमारे 2 फ्लोर ऊपर एक मुस्लिम फैमिली रहती है, एंड दे लाइक दे स्टे 6 मंथ्स इन कश्मीर एंड देन दे कम हियर सिक्स हाँ, मंथ्स दरबार में। ओके ज्यादा मतलब बर्फ पड़ती है, तो मतलब दे आर वेरी लविंग पीपल। वो मतलब जब आते हैं तो उनकी जो ग्रैंड मदर है तो वो हमसे मिलने आते हैं, हमें ब्लेसिंग देते हैं, तो लाइक इट्स अ वेरी गुड जेस्चर बाय देम आल्सो। वेरी नाइस। आपके साथ के कुछ बच्चे हैं उनके पास, जो उनके जो आपके साथ दो खेल, दो बच्चे हैं, वो भाई भाई हैं दो। तो आप खेलते हो, खेलते वगैरह हो उनके साथ, हाँ टाइम उनसे स्पेंड मतलब करते जब हो? भी आते हैं तो हम खेलते तो हैं उनके साथ, मिलते भी और फिर एक साथ बैठते हैं हम लोग।
ओके ओके माय फादर इज कमेंटिंग यस वी लॉस्ट जॉइंट फैमिली सिस्टम यस वी यूज्ड टू हैव दैट सब लोग एक साथ रहते थे अब ऐसा नहीं होता माय मदर आल्सो सेज कि अगर अभी हम वहां होते तो हम सारे एक साथ रह रहे होते हाँ, कश्मीर एक ही में घर में रह रहे होते हाँ दैट वाज द कल्चर ऐसे ही रहते थे मेरे सब भी दूर रहते हैं तो ये भी वरना जॉइंट फैमिली में होते अपने कजन के साथ मुझे शिहान आपसे बेटा एक चीज और पूछनी थी अगर आपको जैसे आप कभी गए भी नहीं हो कश्मीर है ना कभी गए भी नहीं हो आप वेकेशन में भी नहीं जा पाते कभी नहीं गए अगर आप वहां आपको कहें कि आप वहां रहो कश्मीर में आप रहना चाहोगे वहां मतलब आपको प्रॉब्लम लगता है कोई किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम आएगी वहां रहने में एक आएगी कि मैंने एक बार ना मतलब मैंने आई हर्ड इट इन द न्यूज कि वहां पे बीच में ना इंटरनेट वगैरह बंद हो गया था. सो देखो मैं कश्मीर तो नहीं गया बट दिस प्रॉब्लम आई थिंक ऑल्सो वॉज इन जम्मू ऑल्सो यस इट वाज एंड मेरे बहुत सारे कजन जो है वो वहां पे रहते हैं. सो आई कैन जस्ट मतलब सी कि बहुत प्रॉब्लम होती है. तो मेन प्रॉब्लम इज दैट लास्ट होल ईयर वॉज ऑनलाइन ऑनलाइन हमारी स्टडीज होती है सब होता है तो वो तो हैम्पर होंगी सारी चीजें. तो या दैट कैन बी वन ड्रॉबैक. और सेकंड ड्रॉबैक होता है एक सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है हर बंदे पे. जी अब अगर एक जगह पे इंटरनेट ही नहीं होगा द पीपल विल नॉट गेट दैट इन्फ्लुएंस फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड. राइट हाँ तो ये दिस विल बी द टू यू ड्रॉबैक्स आर व्हिच काइंड विल ऑफ कट हैपन. ऑफ फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग अराउंड जैसे कोरोना की वजह से आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं तो बहुत जरूरी है कि बच्चों को एटलीस्ट जो है इंटरनेट एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की एक्सेस हो वेरी दैट वाज अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड सुनने वालों को पता लग ही गया होगा बड़े समझदार हमारे साथ हैं बच्चे देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं इतनी छोटी सी उम्र में अब हम मिर सब के पास आते हैं बेटा हैव यू एवर लिव्ड इन कश्मीर वेर यू बॉर्न इन कश्मीर आप तो उसको No, जानो I was कैसे not born in Kashmir. I have went there for maximum 4 months. मैक्सिमम 4 months ओके तो चुचुक मगर कशीर गसान Kashmir. कार चुक गसान कितिस कालस 21 वर्ष में 21 वर्ष में एकलेट ठीक बक और कितिस कालस चुक रोजान ते कम से कम जो मंथ मैक्सिमम 4 months. ओके सो डू यू लाइक इट देयर Yes, a lot. व्हाट डू यू मिस कश्मीर Yes, especially winter over there. Winter over there. Okay. So, what does Kashmir have that Vietnam does not have? Or what does Vietnam have that Kashmir does not have? Yes, Actually, please. Vietnam has a lot of technology that Kashmir don't have. Okay. For example, आपको क्या लगता है कश्मीर में ये टेक्नोलॉजिकली पीछे है किस चीज में प्राइमरीली कहाँ एग्जाम्पल चाहिए वन दिमाग में ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर और लैपटॉप्स अरे वो सब है यार वहां बिल्कुल Oh, we have all that in Kashmir. Don't say that. We have vacuum cleaners, air conditioners, good laptops. We have all that. But I get your point. There's a lot of things that we can have in Kashmir that are not there. Development ki bahut zarurat hai Kashmir mein. So I understand. Are vacuum cleaner? developed. Like Vietnam is a very high developed country It is, than Kashmir. yes, comparatively, yes. But I think it will like Kashmir will also cope up with these It things will pick up, in of like course, we will make that happen. One day will happen. Okay, wonderful. Okay, there are a lot of people, including my father, who are saying both boys are very samajhdar. Both boys are very sweet. God bless both boys. Very nice. एक और मैं बात बताऊं जब से मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है अब मेरे ख्याल 2 महीने हो गए हैं बात करते हुए हमें बच्चों के साथ मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लगी है जब भी हम पोस्टर यहाँ पर अपलोड करते हैं या उस बारे में हम बताते हैं कहीं स्टोरी में डालते हैं जो लोगों के जो कमेंट्स होते हैं स्पेशली उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं या जानने वाले हैं वो दुआएं दोनों बच्चों को देते हैं सिर्फ अपने घर के बच्चों को नहीं देते विच आई फाइंड वेरी वेरी स्वीट दैट्स वेरी वेरी वार्म दैट इज सो कश्मीरी कि दुआएं बहुत देते हैं हम बच्चों को वेरी नाइस चलिए आई गेट एन आइडिया अब फिर से हम आते हैं शिहान पर शिहान जैसा कि आपने कहा कि आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं उनकी जॉइंट फैमिली सिस्टम था जो कश्मीर में रहते थे बहुत अच्छा माहौल था आपस में बड़े प्यार से रहते थे तो कोई स्टोरी है आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने या रिश्तेदार ने कभी सुनाई हो कोई अच्छी कहानी कोई अच्छी याद मेरे मेरे नानी जी ने मेरे जी को एक स्टोरी सुनाई थी जब व्हेन शी वाज अ हेड मिस्ट्रेस इन कैसेट स्कूल रैनावारी. शी हैड अ कलीग एंड अ वेरी गुड फ्रेंड हर नेम वाज समीमा मैम उनका नाम समीमा मैम था एंड मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे वो.
जो इन स्पाइट ऑफ उनकी जब वो शिफ्ट भी हो गए थे, उनकी जब गवर्नमेंट जॉब भी लग गई थी, स्टिल वो इतना अच्छे दोस्त थे कि वो अब तब भी इंटर्न्स थे. सो आई रिकॉल नानी ने मेरे को एक बार एक स्टोरी सुनाई थी कि उनको एक लैंड लेना था इन जम्मू एंड शी वॉज लैकिंग सम मनी. उनको शायद से 10K के अराउंड उनको कम पड़ रहा था. सो शी वॉज रियली लाइक उनको बहुत टेंशन हो गया था उस चीज से कि वो वैसे मनी कम पड़ रही है. तो द नेक्स्ट डे व्हेन शी मेट हर, शमीमा मैम को पता चल गया कि शी वॉज इन अ लिटिल टेंशन. तो उन्होंने उनसे पूछा आपको क्या मतलब कुछ प्रॉब्लम वॉब्लम है क्या. तो नान वैसे ही हम लोग देते हैं कस्मे वस्मे जो होते हैं, तो उन्होंने कस्मे दी और उन्होंने बोला कि आप बता दो. तो नानी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है. तो फिर उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे जब वो वापस उनसे मिले शमीमा मैम से, तो वो साथ में मनी लेके आए शमीमा मैम और उन्होंने उनके घर में दे दिया वो कि आप ये रखो और आप वो मनी दे दो. तो नानी मतलब शी वॉज रियली ऑब्लाइज विद दैट. तो उसके बाद नानी भी शिफ्ट हो गई, नानी की भी मतलब गवर्नमेंट जॉब लग गई थी कंगन में. एंड उन्होंने शमीमा मैम से पूछा कि मैं आपके मनी रिटर्न कैसे करूँ. तो उन्होंने बोला उनका जो मालून था वो था नवाकदल में. नवाकदल में उनका जो मालून और उनका बेकरी शॉप वो एक साथ मतलब मिक्स था, एक ही मतलब वन. तो उन्होंने बोला आप वहां जाओ और वहां जाके आप वो मनी दे दो इन इंस्टॉलमेंट्स. तो नानी मेरे को कहती थी कि जब वो वहां जाते थे, उनके जो मदर होते थे शमीमा मैम के, शी यूज्ड टू ट्रीट हर लाइक हर डॉटर. वो डॉटर के थे एंड वो उनका बेकरी शॉप था, वहां से उनके लिए एक स्पेशल केक प्रिपेयर करते थे एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क जो सिर्फ नानी के लिए रखते थे. और नानी ये भी कहती थी कि मतलब वो उनको कभी मनी के लिए ऐसे ट्रीट नहीं करते थे, शी यूज्ड टू ट्रीट हर कि वो अपनी खुद की बेटी है. तो नानी वहां पे ऐसी पर मन जाते रहते थे जब तक इंस्टॉलमेंट खत्म हो गए. उसके बाद माइग्रेशन हो गई और नानी का उनका सबके साथ ना मतलब अभी तक ना कॉन्टेक्ट है ना कुछ है. बट नानी कहती है कि वो बहुत अच्छा कनेक्शन था उनके साथ एंड शी इज वेरी हैप्पी दैट शी हैड हर इन देयर लाइफ. और वो जो घर है वो उन्हीं की वजह से आया है. सच अ हार्ट वार्मिंग स्टोरी. आपने जैसे बताया कि जो उनकी जो मदर थी, आपकी नानी की फ्रेंड की जो मदर थी, उनको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती थी और एवरी टाइम जब वो आते थे वहां उनके लिए दूध का गिलास और एक स्पेशल केक बनता था. और वो कभी बात भी नहीं करती थी इस बारे में कि उन्होंने उनको पैसे दिए हैं या उनकी बेटी ने उनसे उधार लिया है. मुझे इस पे एक चीज याद आती है, ये कश्मीर में एक बहुत कहावत तो नहीं, एक बात कहते थे बड़े, मैंने अपने दादाजी से सुनी है. आज तो वो इस दुनिया में नहीं है. आई वॉज वेरी क्लोज टू माई पैटर्नल ग्रैंडफादर. तो वो बोलते थे कि अगर दाहिना हाथ किसी को कुछ दे तो बाहिने हाथ को पता नहीं लगना चाहिए. डिड यू गाइज अंडरस्टैंड? डिड यू मिर्सब, डिड यू फॉलो दैट? मिर्सब, डिड यू फॉलो दैट? या सो अगर दच ने हसित कंस के दिमो कह बेंट दिमो या कह कर्ज दिमो कंस खोरे साथस गैस में पाए ते लग. सो अगर आप किसी की कोई मदद करते हैं तो उसको मदद ही रहने दे, सीक्रेट ही रहने दे. ज्यादा फोकस इस पे करें कि उन पैसों से या उस मदद से उस आदमी का जो भी उसका गोल है वो पूरा हो और बनिस्बत की पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटते हुए. देखिए इतने साल हो गए हैं लेकिन जो एक अच्छाई, जो एक एक्ट ऑफ काइंडनेस होता है वो इंसान भुला नहीं पाता. हम उम्मीद करते हैं अगर वो शमीमा मैम या उनके घर से कोई ये एपिसोड देख रहा हो तो वो आपको पहचाने और आपके थ्रू शायद आपकी नानी से राब्ता करें, क्योंकि ऐसा नानी को नानी को है ना, कॉल कर ले, फिर उनको कॉल कर ले. या मैं शमीमा जी को मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप ये प्रोग्राम देखती हैं आप हमें ईमेल से कांटेक्ट कर सकती हैं और हम आपका जो है, आपकी जो फ्रेंड है यहाँ पर शिहान की नानी जी, उनके साथ आपका राब्ता कराएंगे. बहुत खूबसूरत बात, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी शिहान. अब हम आते हैं मिर्सब पे. मिर्सब बेटा, नाउ यू आर समबडी हु लिव्स आउटसाइड ऑफ कश्मीर, राइट? तुशुक कश्मीर तुशुक आकी लड़का छाना किस वरियस में ना. तो मैं जो आख चीज से सवाल पूछूं, गॉडनेथ वांस में चकित के लोग जानस मतलब पाए या प्रोजेक्ट इस मतलब पाए और दोयम का कि क्या जो सुखची अचान यात में शिरकत करूं या पार्टिसिपेट करूं. Actually, मैं उस न पाई जान. Your mummy won ye. It's a zone. It's a season program. It's a car invite. To bache karne ye. But to me, it's a check to bakare join. So the wood bakare join. I wish na me kuch bata na so. Me wo kash ye kuch kash bache. Tam chine tagin ni kuch ye. Me to bakare join bahave. Which is outside of Kashmir, I can speak Kashmiri.
Brilliant, brilliant, very good. Agat se me broadcast nasak butrawe se posh mali one aspect. So cutely he has explained. Very nice. Can I in fact ask that same question to Shihan? But before that, I would like to tell you, okay, my father today, I don't know, I am so prompted to read the comments because there are so many positive comments. My father writes, so sweet Kashmiri boy, he speaks beautiful Kashmiri. His accent is very cute actually. Dida, you are doing a great job. Oh, thank you very much. Achha, Sanjay Bhaiya ne bhi beech mein likha hai ki we like their Kashmir accent. God bless you. I don't know about you guys, but I am really enjoying this episode today. And more because of the kind of comments that people are writing. Aur abhi inhone likha hai beech mein jo Kashmir ka future bahut bright hai, in bachchon ko dekh ke lagta hai. Woh main aapse हमेशा कहती हूँ कि कश्मीर का मुस्तकबिल जो है वो बहुत रोशन है. इन बच्चों को देख के उसका हमें अंदाजा लग जाता है. और मैं समहाउ शिरन मस बड़ पास उनती, ये हमको आगे लेकर जाएंगे, ये हमारा मुस्तकबिल रोशन करेंगे. सो इससे पहले कि मैं और जज्बाती हो जाऊं, मैं हम आगे बढ़ते हैं और हम शिहान से वही सवाल पूछेंगे जो हमने मिर्सब से पूछा था. सो शिहान, वाई जान, आपने किस लिए आपका मन किया कि आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को जान के बारे में पता चला क्योंकि मेरी जो फुल फैमिली है, मतलब नॉट ओनली माय मदर एंड फादर, मतलब मेरे जो फैमिली में मैक्सिमम लोग हैं वो सब आपकी वीडियोस देखते थे इंस्टाग्राम पे, तो मतलब कनेक्टेड थे. तो फिर एक दिन आई वाज रैंडमली सिटिंग एंड माय मॉम टोल्ड मी कि दीदा जी ने ऐसे एक शो चालू किया है जान जान नाम का, एंड आई वाज जस्ट क्यूरियस कि मतलब ये किस कैसा शो है. तो उन्होंने बोला यहाँ पे दे इंट्रोड्यूस टू बॉयज फ्रॉम द कश्मीर, फ्रॉम कश्मीर, वो बेसिकली फ्रॉम कश्मीर, एंड दे जस्ट टॉक टू ईच अदर एंड दे जस्ट टॉक ऑन द शो लाइक लाइव, एंड मेरे को ऐसा शो बहुत पसंद है. एंड आई वांटेड टू लाइक क्रिएट अ बेस इन द कश्मीरी कम्युनिटी, आई वांटेड टू लाइक शो माय लाइक ओपिनियंस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. सो या And you shared some very positive things. I am so proud of both of you for being so honest and for Mirsab being so cute with that accent and then telling people, "Main toh bahave, bahave kitke chhi koshish kara." Very good. वेरी ना असल कोर तक से वो तक. अच्छा, एक और बात मैं सुनने वालों को बताऊं, थोड़ी सी शायद अजीब लगे, ज्यादातर हम यहाँ पर कश्मीरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा मैं जब भी मिर्सब से बात करती हूँ मैं उनसे कश्मीरी में या अंग्रेजी में बात करती हूँ, क्योंकि बड़ी थोड़ी सी अलग इनके साथ एक मसला है, इनको जो है सिर्फ कश्मीरी बोलनी आती है और अंग्रेजी बोलनी आती है. एम आई राइट मिर्सब? उर्दू इनको समझ आती है लेकिन बोलनी नहीं आती. तो येल्तिब कात कर मिर सबसे याद कर बो अंग्रेज पटकात नत कर बो एमिस कशिर पटकात मगर एमिस दुनिया हाउन बल बहावे कशिर पर चिकात कर इसलिए जैसे एमिस कशिर पटकात. That was very cute. Okay, coming back to the show. Okay, both of you kids are aware that you are both Kashmiri kids. आपकी असली जो घर है वो कश्मीर में है, आपके roots कश्मीर में, right? और लेकिन आप दोनों के मजहब जो हैं, आपके religions हैं, वो जो अलग अलग हैं, right? जैसे मिर्सा हमारे कश्मीरी मुसलमान है और जो शिहान है हमारे कश्मीरी पंडित है, लेकिन अब हम छठे एपिसोड तक आकर हमें ये तो समझ में आ गया है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उससे पहले हम इंसान हैं और हमारे बीच में दोस्ती हो सकती है. तो क्यों ना आज आप हमारे साथ अपने कुछ ट्रेडिशंस की बात करें, अपने कश्मीरी मुस्लिम ट्रेडिशंस की और पंडित ट्रेडिशंस की. हम शुरुआत करेंगे मिर्सब के साथ. ओके Mirsab, so why don't you tell us something about any of your Kashmiri Muslim traditions? I'll talk about Shab-e-Barat. Shab-e-Barat, also known as the Night of Lights and the Night of Forgiveness, is celebrated between the 14th to 15th of Shaban, the 8th month of the Islamic calendar. We pray to Allah to forgive most of our sins, and Allah will forgive most of sinners. We Kashmiri people go to our ancestral graves and pray to Allah for our deceased family members and friends. We also lit up their graves and pray for them. Also, we distribute sweets like halwa or kahwa to people. Yes. After 15 days, Ramadan starts. In Ramadan, we people fast for 30 days.
aka 1 month. We do not eat and we do not drink right. from morning to evening. At the evening, we break our fast by drinking water and eating dates. After that, we pray to Allah. I pray to Allah, give peace to Kashmir. We all pray that to God in our own ways. Beautiful, wonderful explanation. There is also something called Shab-e Qadr, I believe, right? I think that is on the 27th day of Ramzan, right? So that is yeah. also for forgiveness. So ye din jo hai, unhone Shab-e Barat ki baat ki, jis din jo Kashmiri Musliman log hain hamare, wo forgiveness, they seek forgiveness from their Almighty. Bahut zarurat hai, roz roz humse jaane anjaane mein bahut paap ho jate hain, bahut guna ho jate hain, bahut zaruri ban jata hai hamare liye upar wale se, jo hamare bhagwan hai, Allah hai, Ishwar hai, unse jo hai maafi mangna bahut zaruri hai. Ek cheez aapne suni hogi, mere sab ne hame bataya ki jo family ke members jinki fauth hui hoti hai, jo is duniya mein नहीं है, ये उनके ग्रेव्स पे जाते हैं, उनकी कब्रों पे जाते हैं और वहां उनको थोड़ा रेस्पेक्ट करते हैं, वो लाइट करते हैं. ये हम लोग भी करते हैं. आई डोंट नो इफ शिहान इज अवेयर ऑफ इट. ऑब्वियसली हम लोग क्रिमेट करते हैं, हम हमारे यहाँ कब्रें नहीं होती, लेकिन श्राद्धों के दौरान, श्राद्ध सुना होगा ना, जब श्राद्ध होते हैं, yes, जब किसी yes, का yes, मरण yes. दिन जो हम मनाते हैं, उस दिन हम भी करते हैं. ये पितरों को पानी देते हैं उनको, आपको शायद पता हो या ना पता हो, मुझे नहीं पता, तो ये हम भी करते हैं. तो एक ही तरीका, एक तरीके थोड़े अलग अलग हैं, चीजें हमारे मन में जो जज्बात है वो एक ही होते हैं. वेरी नाइस, काफी अच्छा लगा मुझे ये एक्सप्लेनेशन सुन के, एंड आई एम वेरी हैप्पी शिहान, आपको पता था कि हम पितरों को पानी देते हैं. वेरी गुड. ओके, सो टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशंस, नाउ वी विल हियर समथिंग फ्रॉम शिहान. हाँ, सो आई विल टॉक अबाउट अ फेस्टिवल जो हम लोग बनाते हैं, जो इट्स जस्ट कब आ रहा है वो, मतलब इन सेप्टेम्बर. इट्स कॉल्ड पान. हम एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं पान, एंड वो हार्वेस्ट से रिलेटेड रहता है. और इस फेस्टिवल में हम लोग बीप गर्ग माता की पूजा करते हैं. सो जितना मैंने अपने घरों में देखा है, हम उस दिन घर का साफ करते हैं, किचन साफ करते हैं, जिसको हम लोग शूट्स करना बोलते हैं, किचन को. शाबाश. उस दिन से बड़े होते हैं मेंबर, वो पूजा करते हैं घर में. और जो मतलब लेडी या फिर गर्ल जो बैठी होती है उस वाले में, उसको यहाँ पे एक ना पन का धागा लगाते हैं, कॉटन का धागा, जिसे हम पन बोलते हैं. और एक प्रसाद बनता है हमारे घर में, ट्रेडिशन प्रसाद होता है, मीठी रोटी, उसे हम लोग रोट कहते हैं कश्मीरी में. और लड्डू आटे के बनाते हैं हम लोग, वो हम लोग प्रसाद, ऐसा प्रसाद रखते हैं. और उस दिन ये देखो नरवन होता है ना, नरवन बांधते हैं और एक तिलक लगाते हैं यहाँ पे उस दिन. एंड पूजा के टाइम पे एक पाठ होता है, जिसको मतलब पाठ होता है एक, जो हर घर में अलग अलग होता है, कथा, सॉरी कथा बोलते हैं उसे, कथा होती है जो हर घर में अलग अलग रहती है. तो वो सुनाते हैं, और जब सारी पूजा खत्म हो जाती है, उसके बाद हम प्रसाद का ग्रहण करते हैं, एंड देन वी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेबर्स. और माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू टोल्ड मी दैट जब वो कश्मीर में रहते थे, तो वो मतलब आसपास जो भी उनके नेबर्स में रहते थे, उनको भी वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे. एंड जो मुस्लिम लोग होते थे, दे यूज्ड टू लव इट, द रोट एंड द लड्डू. सो या दिस मच. वो रोट बहुत टेस्टी होता है, वो आटे आटे में जो है उसमें दूध डालते हैं और चीनी डालते हैं, और उसमें उसको जो मांड, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं, तो पानी नहीं डालते, उसमें दूध डालते हैं, तभी वो इतना स्वादिष्ट बनता है. और मेरे साथ चतोरिया पिक रही है, क्या वो मैं तो सॉरी पिकली चतोरिया सॉरी पिकली ऐसा सही. पीपल आर ऑल्सो सेइंग दैट दे लव योर कश्मीरी. वेरी नाइस. ठीक है, तो दोनों बच्चों ने अपने जो है ट्रेडिशंस की बात की, अपने जो है थोड़े बहुत कस्टम्स की बात की, और मुझे खुशी है दोनों ने एक दूसरे को सुना भी और समझा भी. आगे बढ़ते हैं. मैं बूज तो युद्ध कट्टर कशिर दोनवे बच പനി കശ്മീരിയത് പെട്ടി ട്രഡിഷൻ അത് പെട്ട് ഫക്ര തോശിര വശിര ചീസ് ഗരി ഹവിത് ഹു ചോദ്യം കശിര പെട്ട് کشیر چھ کورمت یود دا با پیپر پیپر پا بنو یہ پت کورمت تھوڑا پان دے جائیں گے اصل اصل آپ کیا بنان کشیر پٹ کیا بنان ایلیفنٹس چھنے پائے ایکشلی ادا کیچن پر وائچہ چھے واریا پائے ویسے تھے کشیر پٹ چھے ایلیفنٹس بنان ہوس
ठीक है, होस होस, होस, ठीक है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस. ओके सो शिहान, वुड यू लाइक टू शो अस समथिंग, समथिंग कश्मीरी? दिस इज कॉल्ड टूर. ओके, मतलब कश्मीर में इसमें वो खाना खाते थे, बत्ता खाते हैं जी. दिस इसे खोस खोस बोलते हैं, खोस बोलते हैं. जैसे खीर चाय या फिर डबल चाय पीते थे वहां पे. एंड दिस इज समावार, इसमें चाय बनाते थे yes. कश्मीर. मतलब डिड यू रिकॉग्नाइज समावार? यू वुड हैव समथिंग लाइक दैट इन कश्मीर इफ नॉट इन वियतनाम. आई यूज दैट एट कश्मीर व्हेन आई वेंट देयर. आई एम जस्ट सॉरी पाई. आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस, वेरी नाइस. शिहान बेटा, आप वो खोस फिर से दिखाओगे हमको? जस्ट कीप इट ऑन द स्क्रीन. ओके सो अगर आप इसको देखें बेटा, जस्ट अपना थोड़ा सा लेफ्ट में रखो हाथ, अपना थोड़ा लेफ्ट में, शाबाश. ओके सो कैन यू लुक एट दिस खोस एवरीबडी? अब ये मेरी तरफ दिखाओ, इसको ऐसे दिखाओ. थर भाव इतकन, हाँ इतकन, इतकन हाँ. हाँ तो अगर आप देख सकते हैं इसमें एक आचना, ये दंदर हिश, दंदर देखी आपने? इसमें एक बाउंड्री जैसी है जो बाहर की तरफ है. इसका कॉन्सेप्ट आपको पता क्या था? जब कश्मीर में, आई विल टेल यू, जब कश्मीर में हम लोग इन बर्तनों में चाय पीते थे सुबह सुबह, ज्यादातर हम कहवा पीते थे, जिसको कश्मीरी पंडित मोगल चाय भी कहते हैं. हाँ, या हम दोगल चाय ना, मोगल चाय, मोगल चाय, मोगल चाय, मोगल चाय, ठीक है. या ऐसे चवान, सो पिंक टी, जिसको हम नून चाय या शीर चाय बोलते हैं, ठीक है. तो जब वो चूंकि बहुत गर्म होती थी, तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाती हूँ. आप इसको ऐसे पीते थे, करके पीते थे, ताकि जो ये जो दंदर है वो और आपके होंठों के बीच में डिस्टेंस हो, तो जो गर्म लिक्विड आप अंदर ऐसे शुद्ध करके अंदर पीते हैं, उससे आपके दांतों को हार्म ना हो. वो एकदम गर्म चीज जो है वो आपके दांतों पे ना लगे. जो ये खोस है, इसकी बनावट तभी ऐसी है. इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर मग, इट हैज अ दंदर, है ना, इट हैज अ बाउंड्री. देखो कितने जहीन हैं कश्मीरी लोग. हाँ है ना, अच्छा सा दंदर, बड़े जहीन लोग हैं हम, वेरी नाइस. अच्छा भाई, सुनने वालों को मैं बताती चलूं कि ये जो दोनों बच्चे हमारे हैं, आपने देख ही लिया कितने समझदार और टैलेंटेड हैं, लेकिन साथ ही साथ इनकी अपनी यूट्यूब चैनल्स भी हैं. तो ये आप लोगों को उस YouTube चैनल के बारे में एक एक करके बताएंगे. तो मिस सब पहले अपनी YouTube चैनल के बारे में बताएंगे, फिर शिहान बताएंगे. और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इन बच्चों का जो है, इनको एनकरेज करने के लिए, इनकी हौसला अफजाई करने के लिए, प्लीज प्लीज इनको YouTube पे ढूंढें और इनको सब्सक्राइब करें. इनका जो कंटेंट है, जो भी ये करते हैं, उसको लाइक करें. हम वी विल स्टार्ट विद मिर्सब. मिर्सब, व्हाट इज योर चैनल कॉल्ड? My channel's name is called GamerTube. So, but in order to access it, you need to type Pierre Mirsab. And then after that, you might see a rectangle logo. And it will, after that, it will say GamerTube. So, just subscribe, please. Yeah, please subscribe. I'm Ankorim Kershil Pertikat. Thank you, Mirsab. We will come to Shihan. Shihan, what is your channel, beta? So, as I said in the beginning, Buchus Gindan Esports Askal Garasmans, to Michu channel's name Zodiac. Michu me on gamer tag, to Buchus videos banava. Haan. Main Buchu na chho Instagram. Haan, Zodiac, Zodiac chho Instagram. My Mirsab is very cute. He's very entertaining. Eh? He's very entertaining. Very nice. Okay. बहुत बढ़िया. ठीक है जी. Okay. अब हमारे पास, हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में. हम actually हम थोड़े आखिर की तरफ अब हम चल रहे हैं अपने प्रोग्राम के. और मैं आपको बता दूं कि हमारा सिर्फ क्वेश्चन सेगमेंट हमने शुरू किया था दूसरे एपिसोड से. उससे होता कुछ नहीं है. हम अपनी कश्मीरी जबान को जो है इज्जत देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वो बहुत बहुत हकदार है. और आज आपने देखा हमारे दोनों बच्चे जो हैं अपने आप बिना प्रॉम्प्ट किए हुए ये कश्मीरी में बात करते हैं और कश्मीरी में अपनी चीजें जो है एक्सप्लेन करते हैं. इन्होंने अपनी खुद की चैनल को भी शाउट आउट कश्मीरी में दिया है. तो मैंने सोचा जो सिर्फ क्वेश्चन सेगमेंट है उसमें इसके बनिस्बत की ये मुझसे बात करें कुछ कश्मीरी में, जैसे हम ज्यादातर करते हैं, राइम सुनाते हैं या कुछ गुफ्तगू करते हैं. मैं चाहती हूँ ये आपस में बात करें, चलेगा आप लोगों को?
ठीक है, तो दोनों शिहान और मिर्सब जो हैं सिर्फ कर्षर सेगमेंट में कश्मीरी में बात करेंगे आपस में। चलिए जरा देखें क्या बात करोगे तुम अगर तुमको एक कमरे में डाला जाए तो। सो मैं करता हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ और ये छोटा भाई है, ठीक दैट्स सो क्यूट, दैट इज सो क्यूट। तो हाँ, तो बड़ा भाई शुरू करेगा, छोटा भाई सुनेगा और साथ देगा। जी भाया मैं वंता आकाश तो क्या चुप कराना बटवार तो आचवार फ्रेंडशिप गेम बास्केटबॉल बैडमिंटन सब कहा साइकिलिंग के वो मैं चाहिए वन टाइम बुझो सोदा पा पारा ते थोदा पा उचान टीवी बुझो बुझो आदर रोज मच कथा ब आप बेस्ट फ्रेंड सिट आप प्लेइंग एरिया टच वाज बु गिंदा सुत बुत बुत सुत गिंदा इंडोर गेम्स यो तो क्या टीवी चुका था मास उसने खराब टीवी मास उछान सुन वैसे सुन काम ही बना सुनो बचा नहीं होता तो सुन 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 क्या बुचुस चुका स्पोर्ट्स गिनन तो बुचुस गिटार है चान फ्री टाइम इस मंथ से घर से हेल्प कराऊं काम इस मंथ तो कुछ फेवरेट इंस्ट्रूमेंट मैं चु गिटार असु लगान तो बुचुस पियानो तो है चान घर इस मंथ अच्छी चीज भाई बु वन आख कथ पोस्ट कथ अशु कशिर तो अशु असल घर कशीर मंस तो आख दो यू अस रूज ऑफ इकवटाई कशीर मंस तो क्रिकेट गिंदो हाँ अच्छा ठीक है इसका रो सो सो क्यूट, थैंक यू सो मच एंड आई मस्ट टेल यू आई एम सो इमोशनल राइट नाउ हाउ एफर्टलेसली यू पीपल हैव डन दिस एंड आई लव द वे शिहान ओपन दिस कि बुच उस बोर्ड बॉय गडकर बुई शुरू तो ये बॉयज और इचु सोना आज क्या ठीक छे ऐसा करा पी इस गसो तिल कशीर वेरी नाइस। भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे, खुदा करे कि ऐसा एक दिन सच में आए कि हम जो आज ये स्क्रीन पे कर रहे हैं वो एक अपनी जमीन पर अपने कश्मीर में एक साथ करें, वहां पड़ोसियों की तरह रहें, बहुत मोहब्बत से रहें जैसे हम पहले रहा करते थे। वेरी नाइस, आप लोगों ने मुझे बहुत 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 मुझे खुश कर दिया आज। वेरी नाइस, ओके सिर्फ कर्षर सेगमेंट मोकले। अच्छा वंशु वंशुस्तान कर सी इज कास्ट बाय दोनवनी जो कर्षर तगान ये वो। अब मुझे यकीन है कि इन सवालों के जो है आप जवाब दे सकते हैं। तो हम अगर आपने एपिसोड देखे हैं तो हमारी अब बारी आ गई है हमारे कश्मीरी वोकैबुलरी क्विज की। ठीक है, सो मुझे यकीन है आपको पता होगा, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगी। आई विल आस्क यू जस्ट थ्री थिंग्स सो यू जस्ट हैव टू आंसर मी। ठीक छा, ठीक छा, दानवनी दानवनी पूछो। ठीक है दानवनी, ओके किचनस क्या बनाए, किचन 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 को क्या बोलते हैं? किचन किचन कैच बना किचन, किचन से बना चौक, कैच बना चौक 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 चौक। हाँ ठीक है, स्पून को क्या बोलते हैं? चमच 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 यस, एक और भी है आई विल टेल यू। हाँ काशु मैंने जितना सुना काशु काशु, यस ओ वेरी गुड, काश्व काश्व बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं जो श्री एम के रैना जी हैं जो कश्मीरी पढ़ाते हैं लोगों को, सुना होगा आपने उनका नाम, उन्होंने हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए भी एक बाइट हमको दी थी। जो ये काश्व है उन्होंने मुझे ये सिखाई है, ये बात बताई है, जो काश्व है काश्व बेसिकली कश्मीरी नहीं है, काश्व टर्किश वर्ड है, एक टर्किश लफ्ज है। हाँ टर्किश लफ्ज है कश्मीरी, तो काश्व इज अ टर्किश टर्म बेसिकली, क्योंकि जो हमारी कश्मीरी है इसमें जो है बहुत लोन वर्ड्स हैं उधर इधर से, जैसे संस्कृत से, पर्शियन से, पर्शियन से, टर्किश से। अब मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, कश्मीर में एक टाइम पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी। एक टाइम पे हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए इस्तेमाल होती थी जबान वो पर्शियन थी। ठीक है, फारसी फारसी में लिखा करते थे, बोला करते थे। या डिड यू नो दिस? नो
Okay, I did not know that. Chalo, achha, so that was little Dida's Kashmiri Gyan for you. Okay, so we have actually come to the last, very last segment of this program, जहां मैं थोड़ी सी बात करती हूँ. इन समझदार बच्चों की बात तो आपने सुन ली है. तो ये जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी, ये मैंने सीखी है जनाब जरीफ अहमद जरीफ साहब से, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. एक बहुत जाने माने कश्मीर के पोएट हैं, राइटर हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं. और कश्मीर में मुझे लगता है कोई ऐसा कश्मीरी नहीं है जो जरीफ साहब से मोहब्बत नहीं करता. मैं उनकी सबसे बड़ी मुरीद हूँ, मुझे लगता है मैं उनकी सबसे बड़ी फैन गर्ल हूँ. और उनको मैं बहुत तंग करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है कश्मीर में, तो मैं बहुत उनसे सीखती हूँ. तो मैं उन्होंने मुझे एक दफा एक बात सिखाई थी जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी. आपने सुना होगा सूफी पोएट्स होते थे हमारे कश्मीर में, तो ऐसे ही एक सूफी पोएट है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. उनका नाम था समद मीर साहब, ठीक है. और जैसे जरीफ साहब का अपना एक अलग अंदाज है बात करने का, तो वो बोलते हैं कि ये जो है पूरे इलिटरेट थे, पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे. इनको कश्मीरी आती थी बस, और ये किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं गए. और जरीफ साहब के अंदाज में बोलूं तो ये मस्त सिर्फ खुदा सबने स्कूल गछान. तो आप समझ गए होंगे उनका अपना अंदाज है बात करने का. तो उनकी जो पोएट्री है वो श्री मोतीलाल साकी जी ने कंपाइल की थी, जिसको कहते हैं कुलियाते समद मीर. तो उन्होंने बहुत कुछ पोएट्री जो कौमी यकजहती या जिसको कम्युनल हार्मनी कहते हैं, और हमारे माशरे के बारे में यानी सोसाइटी, कश्मीरी सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ लिखा है. तो मैं आपको कुछ सुनाऊंगी अभी, और फिर मैं उसका मतलब भी आपको बताऊंगी. कशियो त्रेशकन होन दिल चू पार्थ पान गंजरान निश वस प्यू अश आराम तस वापस दियू पर ओमसु अल्लाहु पर ओमसु अल्लाहु. जिसका मतलब है, पहले उन्होंने कशियो बोला. कशी का मतलब हुआ समद मीर साहब जो थे वो एड्रेस कर रहे थे किसी कश्मीरी पंडित को, यानी काशीनाथ उसका नाम था. तो वो उससे कह रहे थे कि काशीनाथ अपना दिल जो है वो बड़ा रखो, और जो सामने का है, जो सामने का दूसरा इंसान है, दूसरे इंसान का मतलब हुआ जिसका मजहब तुमसे अलग है, यानी अगर पंडित से बात करते हैं तो दूसरा आदमी हुआ मुसलमान. तो कहते हैं क्योंकि वो तुमसे बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है वो. पार सुमजान उन पार, उसको अलग अपने से मुख्तलिफ मत समझो, उसको अपने पास बुलाओ. और अश आराम तस वापस दियो पर ओमसु अल्लाहु पर ओमसु अल्लाहु, चाहे अल्लाहु कर या ओम कर, सदाचु मतलब अकोय. यानी कि अगर आप अल्लाहु कहते हैं या ओमसु कहते हैं उसका मतलब एक ही है, ठीक है. इसका जो जो इम्प्लाइड मीनिंग है वो ये है कि कश्मीर में जो है हम लोग बहुत खुली सोच के लोग थे, और अलग अलग मजहब होते हुए भी हम लोग साथ में रहते थे. हमारी जो डिफरेंसेस हैं कल्चर में, किसी भी किस्म की डिफरेंसेस या मजहब में, उसको हम मिलकर सेलिब्रेट करते थे, ठीक है. हम दुआ करेंगे कि कश्मीर में फिर से अमन और शांति आए, वो वक्त फिर से लौट आए जहां हम आपस में बातें करें, आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, भाई बहनों की तरह रहें. हमने दो भाई तो आज यही बना लिए हैं, ज्यूट बॉय तो लकुट बॉय. और पहले भी आपने बाकी बच्चों को देखा है कि उन्होंने कितने प्यार से यहाँ दोस्त बनकर गए हैं, ठीक है. तो वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का. उससे पहले देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इन दो बच्चों का बहुत शुक्रिया, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है. और देखने वालों को से गुजारिश कि इन दो बच्चों को और मुझे भी, अपनी दिदा को भी बहुत सारी दुआएं दें और बहुत सारा प्यार भेजें, जैसे आज तक आप करते रहे हैं. आगे भी करिए, हमें सपोर्ट कीजिए. और अगर अभी तक आपने अश्विन कशुर को, अपनी दिदा को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सब्सक्राइब, लाइक या फॉलो नहीं किया, तो जल्दी से जाएं, अपने इंटरनेट कनेक्शन का सही इस्तेमाल करें और हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें, ठीक है. और इन दो बच्चों ने भी आपको अपनी चैनल्स के नाम बताए हैं, तो इनको भी, इनकी हौसला अफजाई हो जाएगी अगर आप इनको लाइक करते हैं इनका कॉन्टेंट और इनको सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है. असिम बसिम तलसिम, आप दोनों बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. खुश रहिए, खुशहाल रहिए, स्टे अस्वुन. थैंक यू बेटा, बाय बाय बाय.